गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, शेड्यूल एन के लिए आपको क्या जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो कैसे चाहिए, जैसे एंट्रेंस पढ़ा था हमने उसमें, फर्नीचर पढ़ा था, और क्या पढ़ा था अपने जो जनरल प्रोविजंस रहते वो पढ़ा था, ठीक है। वो सब हमें उसमें देखना था, ठीक है। प्रीमाइसिस कैसा होना चाहिए, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अभी डेफिनेशन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पे जो भी डेफिनेशन रहती है। जैसे हमने सबसे पहले ड्रग्स की डेफिनेशन ले ली है, लेकिन बाकी के ड्रग्स बाकी की इसकी डेफिनेशन मैंने नहीं ली थी क्योंकि हमें ये बाद में करना था, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मिसब्रांडेड ड्रग्स है, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स है, ये जो डेफिनेशन बहुत बड़ी है उसे वैसे के वैसा ही लिखना है, ठीक है। एक याद करो, हमें डेफिनेशन को वैसे के वैसे ही लिखना है। एक डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स भी है, लेकिन अगर आप उसके कीवर्ड्स याद रखोगे तो आप इजीली उसे लिख सकते हो। तो हम इसे फ्लोचार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, आप इजीली उसे याद कर सकते हो, ठीक है। और ये 3 मार्क्स के लिए भी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है मिसब्रांडेड ड्रग्स की, ठीक है। तो मिसब्रांडेड ड्रग्स मीन्स क्या, ऐसा कोई ड्रग जो क्लेम कर रहा है मिसलीड कर रहा है आप लोगों को। जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट है उसका मिसब्रांडेड ड्रग है, कोई मैन्युफैक्चरर लॉन्च करता है, उसकी जो भी क्वालिटी रहती है वो उससे ज़्यादा प्योर नहीं रहती, उसकी थेरापेटिक वैल्यू जो रहती है वो वैसी नहीं रहती है, लेकिन उसे क्लेम किया जाता है, मिसलीड किया जाता है, ऐसे ड्रग्स को हम क्या कहेंगे, मिसब्रांडेड ड्रग्स, ओके। तो सबसे पहले क्या है, इफ इट इज सो कलर, अगर वो कलर किया गया है या फिर कोटेड या फिर पाउडर और पॉलिश्ड, दैट डैमेज इज कंसील्ड और इफ इट इज, अगर उसमें कोई डैमेज है तो उसे उसके उसका अपीयरेंस बढ़ाया जाएगा, उसे कलर किया जाएगा, कोटेड किया जाएगा या फिर पाउडर या फिर पॉलिश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डैमेज जो भी डैमेज पार्ट है उसे छुपाने के लिए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। या फिर क्या हो सकता है, मेड टू अपीयर, इफ इट इज मेड टू अपीयर बेटर, या फिर वो बेटर दिखाने के लिए, या फिर ग्रेटर थेरापेटिक वैल्यू दिखाने के लिए देन रियली इट इज, वो उतनी डेरा थेरापेटिक वैल्यू उसकी ना होने के बाद भी उसकी थेरापेटिक वैल्यू ग्रेटर दिखाने के लिए अगर उसे बना गया तो हम उसे किस में कंसिडर करेंगे, मिसब्रांडेड ड्रग्स में, ठीक है। अगर डैमेज है, डैमेज को छुपाने के लिए किया तो देन, अगर वो उसकी थेरापेटिक वैल्यू इंक्रीज करके ग्रेटर है ऐसी बताई, लेकिन वो उसकी रियल में उसकी थेरापेटिक वैल्यू इतनी ग्रेटर नहीं है तो वो भी क्या हो गया, मिसब्रांडेड हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अगर वो प्रिस्क्राइब मैनर में अगर लेबल नहीं किया गया, जैसे हम क्या कहते हैं कि प्रिस्क्राइब मैनर में लेबल करना मीन्स इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट रहना, फिर उसके साथ आपने कौन सी क्वांटिटी में ऐड किया, देन अगर आपने प्रिजर्वेटिव ऐड किया तो वो शेड्यूल एक्स का ड्रग से, तो उसके लिए क्या वार्निंग कॉशन रहेगी वो सब, ठीक है। अगर वो प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं लेबल किया तो वो भी मिसब्रांडेड होगा। देन नेक्स्ट, इफ इट्स लेबल और कंटेनर और एनीथिंग अकंपनी ड्रग मीन्स, अगर उसका कोई कंटेनर या जो भी उसका लेबल है वो क्या कर रहा है, ड्रग कर रहा है, मुझे ड्रग बता रहा है, लेकिन वो जो भी ड्रग बता रहा है वो क्या कर रहा है, फॉल्स क्लेम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फॉल्स क्लेम कि 100% जो हमारा ड्रग है वो आपको थेरापेटिक एफिकेसी देगा और आपको फास्ट रिलीफ देगा, नो, लेकिन वो उसका जनरल उसका ये है क्या, वो नेचर नहीं, उसकी थेरापेटिक वैल्यू उतनी है क्या, नो, तो वो क्या कर रहा है, फॉल्स क्लेम कर रहा है फॉर दी ड्रग और मिसलीडिंग एनी पर्टिकुलर, अगर वो आपको कोई भी एक इसमें अगर आपको मिसलीड कर रहा है तो उस ड्रग्स को हम क्या कहेंगे, मिसब्रांडेड ड्रग्स। सबसे पहला मैंने क्या कहा, अगर वो डैमेज है और उसे कलर्ड कोटेड पाउडर किया गया तो, देन अगर उसकी थेरापेटिक वैल्यू उतनी ना है लेकिन आप रियली उतनी ना होने के बाद भी उसे दिखाया गया तो वो भी मिसलीड हो गया। देन अगर वो प्रिस्क्राइब मैनर में लेबल नहीं किया गया है, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट, और अगर उसका कंटेनर उसका लेबल अकंपनी किया गया क्या एक ड्रग के इसके लिए, लेकिन वो ड्रग क्या कर रहा है, फॉल्स क्लेम कर रहा है, तो और फिर क्या कर रहा है, वो मिसलीड भी कर रहा है अगर किसी मैनर में, तो वो क्या रहेगा, मिसब्रांडेड ड्रग्स, ठीक है। 4 पॉइंट्स में आपको याद रखना है, इजीली याद रह जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा है अडल्ट्रेटेड ड्रग। अडल्ट्रेटेड ड्रग मीन्स जैसे आप देखते हो, मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल पहले भी बताया था कि जैसे अगर आप क्लोव बाहर से परचेस कर लाते हो, ठीक है, क्लोव बाहर से परचेस करके लाने के बाद आपको कभी कभी क्लोव से हटकर कोई एक स्टेन दिखती है उसमें जो कि क्लोव नहीं होती, लेकिन वो क्या है, अडल्ट्रेशन है, उसके जैसा कोई दिखने वाला पर्टिकुलर जो भी कंटेंट है उसमें ऐड किया गया, क्यों, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ये सबसे लास्ट में पॉइंट लिखा है, लेकिन मेन उसका आप याद रखोगे, अडल्ट्रेटेड ड्रग मीन्स उसकी स्ट्रेंथ को,
उसके बल्क को बढ़ाने के लिए अगर कोई वैसे ही दिखने वाला अगर कोई कंटेंट वहां पर ऐड कर रहे तो उसे हम कहेंगे अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा इफ इट कंसिस्ट ऑफ एनी होल पार्ट ऑफ एनी फिल्थी, या फिल्थी मीन्स डर्टी, प्यूट्रिड मीन्स अनप्रिजन। अगर किसी भी चीज का पूरा पार्ट एक तो डर्टी है या फिर अनप्लीजेंट है तो उसमें उसे ये करने के लिए क्या किया गया, उसमें ऐड क्या किया गया, इफ इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड पैक्ड और स्टोर्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशन। अगर एक तो उसमें क्या ऐड किया गया है, डर्टी ऐसा फिल्थी कुछ ऐड किया या फिर ऐसा पुट्रिड ऐड किया तो उसे भी आप क्या कहोगे, अडल्ट्रेशन ही कहोगे। या फिर अगर उसे स्टोर किया गया है इनसैनिटरी कंडीशन में तो उसे भी आप क्या कहोगे, अडल्ट्रेटेड ड्रग कहोगे। या फिर अगर कंटामिनेटेड है वो तो क्या हो गया, अगर उसे इनसैनिटरी कंडीशन में आपने क्या किया, स्टोर किया, तो वो क्या करेगा, कंटामिनेट हो जाएगा। कंटामिनेट होने के बाद वो क्या करेगा, इंजुरियस टू हेल्थ रहेगा आपकी। ठीक है, देन इंजुरियस टू हेल्थ हो गया तो क्या हो गया, अडल्ट्रेटेड ड्रग हो गया। या फिर इफ इट्स कंटेनर इज कंपोज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी पॉइजनस सब्सटेंस, या फिर उसका जो भी कंटेनर है वो होल या फिर किसी पार्ट में पॉइजनस सब्सटेंस के साथ अगर स्टोर किया गया है देन रेंडर कंटेंट्स इंजुरियस टू हेल्थ। पहले क्या था, अगर इनसैनिटरी कंडीशन में स्टोर किया तो भी इंजुरियस रहेगा, देन अगर पॉइजन के साथ अगर आपने स्टोर किया तो भी वो क्या रहेगा, इंजुरियस टू हेल्थ रहेगा। दो पॉइंट याद रहेंगे। देन इफ इट्स बियर्स अ कलर दैट प्रिस्क्राइब कलर, अगर उसमें जो भी कलर है उससे अलग और कोई कलर है तो भी हम उसे अडल्ट्रेशन ही कहेंगे। या फिर कंटेंट्स हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अभी या फिर उसमें कोई ऐसे सब्सटेंसेस जो हार्मफुल है या फिर टॉक्सिक है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, अडल्ट्रेटेड कहेंगे। और लास्ट इफ इट इज मिक्स्ड टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, अगर उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए ऐड किया गया तो उसे भी हम क्या कहेंगे, अडल्ट्रेटेड। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अगर उसमें होल पार्ट में क्या है वो फिल्थी है या फिर प्यूट्रिड है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, अगर उसे इनसैनिटरी कंडीशन में स्टोर किया गया तो क्या होगा, कंटेमिनेट होगा, कंटेमिनेट हो गया तो इंजुरियस टू हेल्थ रहेगा। या फिर उसे पॉइजनस सब्सटेंस के साथ स्टोर किया गया तो फिर भी वो क्या करेगा, इंजुरियस टू हेल्थ रहेगा। देन नेक्स्ट, अगर उसका कलर दैट प्रिस्क्राइब है, अगर उसका जो भी कलर है उससे अगर अलग कोई कलर है तो भी वो अडल्ट्रेटेड होगा। या फिर अगर वो हार्मफुल या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऐड किया है या फिर वो इंक्रीज किया गया स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ओके, ये रहेगा अडल्ट्रेटेड ड्रग। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा है कॉस्मेटिक। बहुत इजी डेफिनेशन है, आप भी यूज करते हो, सब कॉस्मेटिक प्रिपरेशन यूज करते हैं, फेयर एंड लवली वगैरह क्यों यूज करते हो, ब्यूटीफाइंग करने के लिए, आपका अपीयरेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एज ए ब्यूटीफाइंग एजेंट हम क्या ऐड करते हैं, क्या यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स। तो उसी की डेफिनेशन बहुत इजी है, इफ एनी आर्टिकल इन इंटेंडेड टू, अगर कोई आर्टिकल बनाया गया आपके यूज के लिए टू रब, पोर्ड, स्प्रिंकल्ड और स्प्रे, रब या फिर पोर्ड या फिर स्प्रिंकल या फिर स्प्रे किया गया है, क्यों और मतलब किस पे, ऑन और इंट्रोड्यूस्ड इन टू, या फिर इंट्रोड्यूस किया गया या फिर अप्लाई किया गया, कहाँ पर, ऑन दी ह्यूमन बॉडी। एक ऐसा आर्टिकल जो क्या किया गया है, एक तो रब किया गया, पोर किया गया, स्प्रिंकल किया गया, फिर स्प्रेड किया गया, किसमें, एक तो इनटू द बॉडी या फिर ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी, किसकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्मेटिक कहेंगे। लेकिन उसका यूज क्या है, फॉर क्लींजिंग, ब्यूटिफाइंग, प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस, अगर ये उसका पर्पज है तो भी उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्मेटिक कहेंगे। एंड देन एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्मेटिक, अगर वो एज ए कंपोनेंट ऑफ कॉस्मेटिक भी अगर यूज कर रहे तो उसे भी हम कॉस्मेटिक की डेफिनेशन में ही कंसिडर करेंगे। क्या कहा मैंने, अगर कोई आर्टिकल इंटेंडेड टू रब, पोर्ड, स्प्रिंकल्ड और स्प्रे, किसमें, ऑन टू द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, किसके लिए, फॉर क्लींजिंग, अट्रैक्टिवनेस, प्रोमोटिंग अट्रैक्टिवनेस, ब्यूटीफाइंग, उसके लिए अगर किया गया तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्मेटिक्स। ये हो गए हमारे तीन डेफिनेशन, मिसब्रांडेड ड्रग्स, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ओके, थैंक यू।